नमस्कार, मेरा नाम दर्पण आनंद है और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की चर्चा का विषय है AES एल्गोरिदम या द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज ने 2001 में प्रपोज किया था। AES एल्गोरिदम सिमेट्री की और ब्लॉक साइफर टेक्निक है, जैसे कि DES है। इसका अर्थ ये हुआ, AES में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के समय पर हम एक ही की, सीक्रेट या प्राइवेट की का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम DES में करते थे। वहीं AES में जो ब्लॉक लिया जाएगा या जो इनपुट लिया जाएगा प्लेन टेक्स्ट का, वो ब्लॉक की फॉर्म में लिया जाता है, ना कि स्ट्रीम की फॉर्म में लिया जाएगा। AES में जो ब्लॉक है वो 128 बिट का ब्लॉक होता है, वहीं जहां DES में 64 बिट का ब्लॉक होता था। इस 128 बिट के ब्लॉक को 4x4 के स्टेट्स में कॉपी किया जाता है। उसके बाद जब राउंड्स चलने के बाद जब फाइनल स्टेट आती है, उसमें जो स्टेट हमारे पास डिड्यूस होकर आता है, उसको हम आउटपुट मैट्रिक्स में कॉपी कर देते हैं, जो कि हमारा साइफर टेक्स्ट बन जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कैसे AES एल्गोरिदम काम करती है। सबसे पहले 16 बाइट्स यानी कि 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट जो है, वो 16 बाइट के इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये इनिशियल स्टेट एक तरह से मैट्रिक्स बनती है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो M बाइट्स की जो की है, वो की भी M बाइट्स में कन्वर्ट होती हैं। इस की, M बाइट्स की जो की है, उसके ऊपर हम जब की एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, तो हमको हर राउंड के लिए 16 बाइट की मिलती है। इस 16 बाइट की को हम सबसे पहले इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे राउंड जीरो में। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें स्टेट मिलेगी 16 बाइट की, उसके ऊपर हम राउंड वन अप्लाई करेंगे, और राउंड वन में हमारे पास चार डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इसी तरह से जब की और इस ट्रांसफॉर्मेशन के आउटपुट के माध्यम से हमें इंटरमीडिएटरी जो आउटपुट मिलेगा राउंड वन का, वो राउंड टू के लिए इनपुट हो जाएगा। इसी तरह से एन माइनस वन राउंड अप्लाई करने के बाद हमको एन माइनस वनथ आउटपुट स्टेट मिलेगी, जिस पर हम राउंड एन अर्थात आखिरी राउंड अप्लाई करेंगे। और ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आखिरी राउंड में चार की स्थान पर तीन ट्रांसफॉर्मेशंस ही अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद जो हमें मिलेगी वो फाइनल स्टेट होती है 16 बाइट की, जिसको हम साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में सेंडर को भेज देते हैं। ध्यान देने वाली बात AES में ये होगी कि जो की है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में, बाइट की फॉर्म में हमारे को मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हम की एक्सपेंशन के माध्यम से अपनी की के द्वारा हम 16 बाइट की हर राउंड के लिए डिड्यूस कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से राउंड्स में कौन कितनी कितनी की हमें प्रयोग में लानी है, और साथ में ही कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम लोगों ने बताया हर राउंड के लिए, वो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं AES के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है राउंड्स। अगर 10 राउंड्स हैं तो 16 बाइट की अगर है हमारे पास, तो हम 10 राउंड्स अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 24 बाइट की है, हम लोगों ने M बाइट की का प्रयोग किया है, अगर हमारे पास 16 बाइट की है तो 10 राउंड चलेंगे, 12 राउंड चलेंगे अगर हमारे पास 24 बाइट की है, 14 राउंड चलेंगे अगर हमारे पास 32 बाइट की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 32 बाइट की आएगी, तो हमें 14 राउंड्स चलाने पड़ेंगे, अर्थात R0 से लेकर R13 तक। और जो लास्ट राउंड होगा, उस पर हम तीन ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, ना कि चार। तो हम बात करते हैं कि जो एन राउंड्स होते हैं, उसमें एन माइनस वन राउंड तक हम जो चार ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, वो कौन कौन से हैं। जो चार फंक्शंस हैं वो हैं सब्स्टिट्यूशन बाइट्स, जिन्हें सब बाइट्स फंक्शन कहते हैं, शिफ्ट रोज फंक्शन, मिक्स कॉलम फंक्शन और एड राउंड की फंक्शन। अब आप देखेंगे पर राउंड के हिसाब से इस चित्र में दिखाया गया है कि 16 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है, सबसे पहले हम उसमें एड राउंड की फंक्शन अप्लाई करते हैं। एड राउंड की फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आता है, उस पर हम सब्स्टिट्यूट बाइट्स अप्लाई करेंगे मेथड।
उसके बाद शिफ्ट रोज, शिफ्ट रोज के बाद मिक्स कॉलम, और मिक्स कॉलम के बाद पुनः हम लोग की या एड राउंड की अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से एक राउंड पूरा होता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये राउंड चलते कैसे हैं या सब बाइट्स क्या होती हैं या कैसे अप्लाई होती हैं, ध्यान दीजिए। ये अगले चित्र में हम लोगों को स्टेट्स दिखाई गई हैं, 16 बाइट्स हैं, तो चार चार बाइट्स की स्टेट्स को ग्रेइश और वाइट कलर में दिखाया गया है। स्टेट्स जब सब्स्टिट्यूट होंगी तो शिफ्ट रोज अप्लाई होंगी। शिफ्ट रोज में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन एरो के माध्यम से यह बताया गया है कि कौन सी वाली बाइट किस पोजीशन पर आ जाएगी। तो जब हम इन बाइट्स को इस प्रकार से शिफ्ट करेंगे तो हम इसे कहते हैं शिफ्ट रोज फंक्शन। इस शिफ्टिंग करने के बाद जो हमारी स्टेट्स आती है उसमें हम मिक्स कॉलम अप्लाई करते हैं। मिक्स कॉलम अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास स्टेट्स आती है उसके बाद हम इस पर एड राउंड की फंक्शन अप्लाई करेंगे, और एड राउंड की के बाद जो हमारी स्टेट्स आएगी वो अगले राउंड के लिए इनपुट का काम करती है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट बाइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चलता है। जैसे हम लोगों को पता चला कि x और y है, तो x y का अर्थ ये हुआ हम लोगों ने s11 वाला ब्लॉक पिक किया और s11 वाले ब्लॉक को हमने s-11 वाले ब्लॉक से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। और वो सब्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि हमें बताया गया इसमें पहले से ही ये सेट करके रखा गया कि किस बाइट को किस पोजीशन पर हमको शिफ्ट करना है। तो इस प्रकार से हम बाइट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन। एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपकी 16 बाइट की आएगी तो 16 बाइट की 16 बाइट के ब्लॉक यानी कि इन आउटपुट ब्लॉक से जो इंटरनली राउंड से आएगा उस पर हम उसको अप्लाई करेंगे, और जैसे जैसे हमारे पास की शिफ्ट होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास आउटपुट्स आगे, जैसे मान के चलिए राउंड वन के पास जो आउटपुट आया की अप्लाई हुई, की एक्सपेंशन से हमें नेक्स्ट की मिली, राउंड वन पे वो वाली की अप्लाई हुई, इस प्रकार से की भी बदलती जाएंगी और राउंड फंक्शन भी अप्लाई होता जाएगा। अब जैसे कि इस मैट्रिक्स में बताया गया है कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्स कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन बाइट 00 है तो उसको 63 पोजीशन से सब्स्टिट्यूट करना है। 00 का अर्थ हुआ अगर आप पूरी मैट्रिक्स बनाएंगे तो 16x16 की बनेगी ना, तो उसमें क्या होगा कि 00 पोजीशन पर जो आया है उसको 63 पोजीशन पर लेके जाइए, 01 को जो लेके आए वो सेवेंथ और सी 16x16 में सेवेंथ और जीरो के जीरो से लेकर नाइन तक ए बी सी डी। तो आप देखेंगे जो हमने 0 से लेकर F तक रो, 0 से लेकर F तक कॉलम्स हैं, उसमें जो पोजीशन पर आप देखेंगे 0-0 वाले को 63 6 एंड 3 से यानी कि 6 रो एंड थर्ड कॉलम से, 0-1 वाले को 7th रो एंड सी कॉलम से, 0-2 वाले को 7th रो एंड 7th कॉलम से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्री डिफाइंड है ये सब्स्टिट्यूशन का, वो इस मैट्रिक्स से हमको ध्यान में आता है कि किस बाइट ब्लॉक को किस बाइट ब्लॉक पोजीशन पर हमें फिट करना है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, EA04, अब EA दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें EA अगर इस मैट्रिक्स पर आप देखें E और A से हमें मिलता है 87। 87 का अर्थ हुआ EA पोजीशन वाले ब्लॉक को 8th रो एंड 7th कॉलम वाले ब्लॉक से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। उसी प्रकार से हम आगे 04 वाले को F2 से, इसका मतलब 0 का मतलब इनिशियल रो, फोर्थ कॉलम वाले को F3 रो एंड सेकंड कॉलम से सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6th रो एंड 5th कॉलम वाले को 4th रो एंड डी कॉलम से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस प्रकार से हम सब बाइट्स ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट रो एंड मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहां देखिए ध्यान से शिफ्ट रो और मिक्स कॉलम कैसे होता है। इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, नीचे आप देखेंगे शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो शिफ्ट रो में क्या होगा कि सबसे पहले रो वाइज यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो को हम शिफ्ट करेंगे और ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो फोर्थ बिट थर्ड पर, थर्ड सेकंड पर, सेकंड फर्स्ट पर, फर्स्ट वाली लास्ट पर हम शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट के केस में, सेकंड के केस में यानी कि 0, 1, 2, 3 की बात करें तो जो फर्स्ट यानी कि 01 जो रो आएगी उसको हम इस प्रकार से शिफ्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि एक वन लेफ्ट शिफ्ट, तो एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर
नंबर टू, 012, थर्ड की बात करें, थर्ड रो की, तो उसमें क्या है, फोर्थ वाला जो बिट है वो सेकंड से, थर्ड वाला फर्स्ट से, फर्स्ट वाला थर्ड से और सेकंड वाला फोर्थ से शिफ्ट होगा, और वहीं आखिरी वाली जो थर्ड या फोर्थ वाली जो रो है वो राइट पर जलेगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फर्स्ट से शिफ्ट होगा। इस प्रकार से हम शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। वहीं मिक्स कॉलम के लिए आप लोग देखेंगे एक मैट्रिक्स हमको दी गई है, आप उसमें मैट्रिक्स को शिफ्ट करिए, 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2, ये सेट करके रखा गया है। तो ऊपर की जब रो आप ऐसा कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपको आउटपुट में जो मिलेगा वो वहां पर आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर की रो लिखी तो S00, S01, S02 और S03, तो इसका मतलब है पहले हम लिखेंगे सेकंड, तो सेकंड वाले ब्लॉक को, फिर थर्ड वाले ब्लॉक को, फिर फर्स्ट वाले ब्लॉक को, फिर फर्स्ट वाले वन से हम मल्टीप्लाई करके वहां पर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस तरह से हम सबकी मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उदाहरण यहां पर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हमने 0203 पहले से बना के रखा हुआ है और S00, S01, S02, S03 हमारे पास आया, इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे आया आप नीचे देख रहे हैं, SZ0J इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S0J XOR 3 टाइम्स ऑफ S1J XOR S2J 1 टाइम एंड S3J 1 टाइम, इन सबको XOR करके जो आउटपुट आएगा वो हमारा S0J होगा। इसी प्रकार से हम इन नंबर्स का ऑपरेशन करेंगे तो हमें मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होता है, जो कि हम आगे राउंड की फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये उदाहरण है 87F24D97, अगर इस पूरी रो को आप 2311 से मल्टीप्लाई करके एक्सोर करेंगे तो आउटपुट में 4740A3 4C हमें प्राप्त होगा। अब राउंड की फंक्शन में प्लेन एक्सोर चलता है, हमारे पास 16 बाइट का जो हमें राउंड की के माध्यम से की मिलेगी उसको हम यहां पर ब्लॉक वाइज एक्सोर करेंगे, और एक्सोर करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपके सामने इस उदाहरण के माध्यम से हमें मिलता है कि 47 का एक्सोर AC से EB होगा, 40 का एक्सोर 19 से F59 होगा। तो इस प्रकार से हमको पूरा का पूरा एड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आउटपुट प्राप्त होता है, और इन चारों ऑपरेशन करने के बाद हमको एक राउंड कंप्लीट होता है। और कितने राउंड चलाने हैं, जैसा पहले बताया की के वैल्यू, की कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है कि 10 चलाने हैं, 12 चलाने हैं, 14 राउंड चलाने हैं, उतने राउंड अप्लाई होते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट राउंड जो होता है उसमें हम लोग एड राउंड की फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, और जो आउटपुट आता है वो हमारा साइफर टेक्स्ट हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि की एक्सपेंशन क्या होता है, की एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है। जो W आपको दिख रहा है वो W आपको प्राप्त हो रहा है, जो वैल्यू हमें मिली है की के लिए, तो की मान के चलिए 16 बिट की हमें मिली, तो उसको हमने राइट साइड में आप देखेंगे कि W फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो B0, B1, B2, B3 ये चार ब्लॉक हुए शुरुआत के, इनको फिर हमने स्वैप करा, स्वैप करने के बाद हमने इनके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने हमने इसको शिफ्ट किया, तो हमें जो एक्सोर मिलता है वो W डैश मिलता है। इस प्रकार से हम की के माध्यम से हम डिफरेंट W's के को प्राप्त करते हैं, और ये पूरे डिफरेंट W's जो हैं वो हमको 16 बाइट की राउंड की हमको राउंड्स के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से AES एल्गोरिदम हमको हमने ये जाना कि AES एल्गोरिदम कैसे काम करती है। AES एल्गोरिदम भी एक तरह से सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी या ब्लॉक साइफर में आती है, उसी कैटेगरी की है, और ये भी अपने आप में एक पावरफुल एल्गोरिदम है जिसके माध्यम से हम अपने प्लेन टेक्स्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। धन्यवाद।